सो वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो आज हम पढ़ने वाले हैं द स्विस पार्टी सिस्टम, मतलब आज हम स्विट्जरलैंड की पॉलिटिकल पार्टीज के बारे में पढ़ेंगे, उसकी थोड़ी सी हिस्ट्री देखेंगे सबसे पहले तो कि कैसे क्या स्टार्ट हुआ या क्या चीज़ है, ठीक है। उसके बाद हम देखेंगे कि कौन कौन सी पॉलिटिकल पार्टीज है उन सबके बारे में। सो आज ये सब चीज़ें हम कवर करने वाले हैं। सो विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम लेट्स गेट इन टू दैट। तो सबसे पहले हम देखते हैं हिस्ट्री ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज इन स्विट्जरलैंड, दैट मींस जो स्विट्जरलैंड है उसमें जो पॉलिटिकल पार्टीज रही है उनकी क्या हिस्ट्री रही है। तो जो स्विस कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें पॉलिटिकल पार्टीज का कहीं भी मेंशन नहीं है, जस्ट लाइक यूएस, जैसे कि यूएस की कॉन्स्टिट्यूशन में भी पॉलिटिकल पार्टीज का कहीं भी मेंशन नहीं है, वैसे ही स्विस कॉन्स्टिट्यूशन में भी पॉलिटिकल पार्टीज का कहीं भी मेंशन नहीं कर रखा। तो ये जो पॉलिटिकल पार्टीज है ये एक एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल फीचर है स्विस कॉन्स्टिट्यूशन का। अब ये पॉलिटिकल पार्टीज एग्जिस्टेंस में कब आई, जब अडॉप्शन हुआ था 1848 वाले कॉन्स्टिट्यूशन का, तब ये पॉलिटिकल पार्टीज एग्जिस्टेंस में आई थी, ठीक है। उस टाइम पे जितनी भी फेडरल अफेयर्स हुआ करती थी या जितनी भी नेशनल अफेयर्स हुआ करती थी उनको कौन डोमिनेट करता था, दो ग्रुप ऑफ पॉलिटिशियंस डोमिनेट किया करते थे, एक थे लिबरल्स एंड एक थे रेडिकल्स। अब लिबरल्स कौन थे और वो किस में बिलीव किया करते थे, तो वो चीज अब हम देखते हैं। तो जो लिबरल्स थे वो ओल्डर पॉलिटिशियंस थे एंड वो बिलीव क्या करते थे, लेजिस फेयर प्रिंसिपल्स में, दैट मींस कोई भी गवर्नमेंट का इंटरफेरेंस नहीं होना चाहिए। वेयर एज जो रेडिकल्स थे वो यंगर पॉलिटिशियंस थे एंड वो बिलीव क्या करते थे, एडवांस्ड फॉर्म ऑफ लिबरलिज्म में, ठीक है। एंड इन सब डिफरेंसेस के बावजूद भी जब 1874 का कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेम किया जा रहा था तो इन्होंने एक्टिवली कॉन्ट्रीब्यूट किया था रेडिकल्स एंड लिबरल्स ने, एंड इनके जो पॉइंट ऑफ व्यूज थे या इनके जो ओपिनियंस थे इनको भी इनकॉर्पोरेट करा गया था इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ 1874। तो ये तो देखिए हमने हिस्ट्री ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज इन स्विट्जरलैंड, ठीक है। तो अब हम स्विट्जरलैंड की एक एक पॉलिटिकल पार्टी के बारे में पढ़ते हैं। तो सबसे फर्स्ट पार्टी आती है लिबरल पार्टी। अब ये जो लिबरल पार्टी है ये इट इज वन ऑफ द ओल्डेस्ट एग्जिस्टिंग पार्टी ऑफ स्विट्जरलैंड, सबसे पुरानी पॉलिटिकल पार्टी है लिबरल पार्टी। एंड इस पॉलिटिकल पार्टी ने इनिशियल स्टेजेस में कंट्री की पॉलिटिकल डेवलपमेंट में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया था। तो जैसा कि हमने हिस्ट्री ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज में अभी जस्ट देखा था कि ये जो लिबरल्स थे इन्होंने एक्टिवली कंट्रीब्यूट किया था जब 1874 का कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेम हो रहा था, एंड ये जो लिबरल पार्टी थी वो बिलीव क्या करती थी, लेजिस फेयर प्रिंसिपल में, मतलब गवर्नमेंट का कोई भी इंटरफेरेंस नहीं होना चाहिए, ओके। तो नेक्स्ट पार्टी आती है हमारी रेडिकल डेमोक्रेटिक पार्टी, ठीक है। तो ये किस में बिलीव क्या करती थी, ये बिलीव क्या करती थी एक एडवांस्ड फॉर्म ऑफ लिबरलिज्म में बिलीव क्या करती थी, ये चाहती थी एक एडवांस्ड फॉर्म लिबरलिज्म का। एंड ये इकोनॉमिक लिबर्टी के लिए भी खड़ी हुई कि इकोनॉमिक लिबर्टी होनी चाहिए बट उसमें थोड़ा स्टेट का इंटरवेंशन होना चाहिए, जैसे कि लिबरल्स ने बोला था कि कोई भी गवर्नमेंट का इंटरवेंशन नहीं होना चाहिए, बट रेडिकल डेमोक्रेटिक पार्टी ने क्या बोला कि थोड़ा बहुत तो स्टेट का इंटरवेंशन या गवर्नमेंट का इंटरवेंशन होना ही चाहिए। एंड जैसे कि हमने हिस्ट्री ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज में देखा ही था कि इसने भी है ना एक्टिवली कंट्रीब्यूट किया था, किसमें, इन फ्रेमिंग द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ 1874 की कॉन्स्टिट्यूशन को फ्रेम करने में, ठीक है। तो इसके और क्या मेन ऑब्जेक्टिव्स थे, इसकी मेन ऑब्जेक्टिव्स ये थे कि कॉन्स्टिट्यूशनली गारंटीड पर्सनल फ्रीडम होनी चाहिए, सेक्युलरिज्म होना चाहिए, दैट मींस आप किसी भी रिलीजन को प्रैक्टिस कर सकते हो, ठीक है, ये राइट आपके पास होना चाहिए। एंड क्या होना चाहिए, सेंट्रलाइज्ड फेडरेशन होनी चाहिए, मतलब सेंटर के पास ज्यादा पावर होनी चाहिए, ठीक है। अब नेक्स्ट पार्टी आती है हमारी कैथोलिक कंजर्वेटिव पीपल्स पार्टी। तो ये जो कैथोलिक कंजर्वेटिव पीपल्स पार्टी है ये अपने मेंबर्स कहाँ से लेती है, ये अपने मेंबर्स उन कैंटन से लेती है जहाँ पे मेजोरिटी हो कैथोलिक क्रिश्चियंस की, ठीक है। अब कैंटन्स मतलब क्या होता है, तो जैसे कि हमारे इंडिया में स्टेट्स बोला जाता है वहाँ पे कैंटन्स बोला जाता है। एंड ये जो पार्टी है ये अभी भी फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन के कुछ प्रोविजंस को अपोज करती है जो कि उनके अकॉर्डिंग एंटी कैथोलिक होते हैं। एंड ये इवन सेंट्रलाइजेशन को भी अपोज करती है, दैट मीन्स ये नहीं चाहती है कि स्टेट के पास या सेंटर के पास सारी पावर्स हो, ठीक है। तो नाउ द नेक्स्ट पार्टी इज द स्विस पीपल्स पार्टी। तो ये जो स्विस पीपल्स पार्टी है ये भी कंजर्वेटिव पॉलिटिकल पार्टी है स्विट्जरलैंड में, एंड इसको और क्या बोला जाता है, इसको डेमोक्रेटिक यूनियन ऑफ द सेंटर भी कहा जाता है। एंड इट वॉज फाउंडेड इन 1917 में इसको फाउंड करा गया था, बट इसको फॉर्मली कब ऑर्गेनाइज करा गया था, 1936 में। तो ये एक ऐसी पार्टी जो किसको रिप्रेजेंट करती है, फार्मर्स को, ट्रेडर्स को, इंडिपेंडेंट्स को, इन सबको रिप्रेजेंट करती है, ठीक है। एंड 1971 में क्या हुआ, इस पार्टी ने स्विस डेमोक्रेटिक पार्टी के साथ मर्ज कर लिया एंड ये बन गई स्विस पीपल्स पार्टी। तो इस पार्टी के ऑब्जेक्टिव क्या क्या थे, तो सबसे फर्स्ट ऑब्जेक्टिव था कि पॉलिटिकल सोवरेनिटी को बचाए रखना, टफ इमिग्रेशन लॉज को अडॉप्ट करना, एंड इवन सोशल वेलफेयर पॉलिसीज होनी चाहिए वो भी टफ होनी चाहिए, एंड टैक्सेशन भी इतना इजी नहीं होना चाहिए कि हर कोई पे कर पाए, वो भी थोड़ा सा टफ होना चाहिए, ओके। नेक्स्ट पार्टी आती है हमारी द सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी। तो ये जो पार्टी थी ये 1880 के बाद इमर्ज हुई स्विट्जरलैंड में, एंड ये जो सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी है ये अपना सपोर्ट कहाँ से डराइव करती है, मेनली इंडस्ट्रियल वर्कर्स से, सिविल सर्वेंट से एंड अदर प्रोफेशनल क्लासेस से।
एंड ये जो पार्टी है ये एक हेल्दी ब्लेंड है कैपिटलिज्म का एंड सोशलिज्म का. तो इस पार्टी के क्या क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं? तो सबसे पहले तो पब्लिक प्लानिंग होनी चाहिए इन द इकोनॉमिक फील्ड. सेकेंडली कि जितनी भी मोनोपोलिस्टिक इंडस्ट्रीज है, बैंक्स है या क्रेडिट इंस्टीट्यूशन है, उन सबका नेशनलाइजेशन होना चाहिए. एंड थर्ड थिंग, डायरेक्ट डेमोक्रेसी आनी चाहिए. ठीक है, मतलब डायरेक्ट डेमोक्रेसी मतलब लोगों के पास राइट्स हो डायरेक्ट अपने लीडर्स को इलेक्ट करने का. नेक्स्ट पार्टी आती है हमारी कम्युनिस्ट पार्टी और वी कैन से लेबर पार्टी. तो इस पार्टी के बारे में थोड़ा सा अपन हिस्ट्री देखते हैं. तो वर्ल्ड वॉर सेकंड के बाद क्या हुआ था, फेडरल गवर्नमेंट ने एंड कुछ कैंटोनल गवर्नमेंट्स ने मिलकर इसको बैन कर दिया. एंड थोड़े टाइम बाद इस पे जितने भी लीगल रेस्ट्रिक्शंस थे वो सब हट गए थे. एंड इस पार्टी का जो सपोर्ट बेस है वो कहाँ है, तो इट इज मेनली अमंग द अर्बन इंडस्ट्रियल वर्कर्स एंड इंटेलेक्चुअल्स. तो अभी तक अपन ने जितनी भी पॉलिटिकल पार्टीज पढ़ी वो सारी मेजर पॉलिटिकल पार्टीज थी स्विट्जरलैंड में. बट कुछ माइनर पार्टीज भी है जैसे कि लिबरल सोशलिस्ट, इंडिपेंडेंट सोशल डेमोक्रेट्स, यंग लिबरल्स, नेशनल लीग, ये सारी जो है ये माइनर पार्टीज है. तो यहाँ पे हमारा टॉपिक एंड होता है. तो आज हमने देखा पॉलिटिकल पार्टीज की हिस्ट्री के बारे में, उसके बाद कौन कौन सी पॉलिटिकल पार्टीज है उसके बारे में हमने डिस्कस किया. सो दैट वाज ऑल अबाउट इट. एंड फिर भी अगर आपको किसी भी पॉइंट में कोई भी क्वेरी हो तो यू कैन ऑलवेज आस्क मी इन द कॉमेंट सेक्शन एंड आई विल ट्राई टू रिप्लाई ऑल योर कॉमेंट्स. ओके, एंड अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो देन प्लीज गिव इट अ बिग फैट थम्स अप एंड डू शेयर द वीडियो विद ऑल योर फ्रेंड्स. सो या, बाय बाय, टेक केयर.